और ये साल का ऐसा टाइम है जैसे में कि एडोबी एक अपना मेजर अपडेट निकालता है, अपने हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर एक मेजर अपडेट रिलीज करता है। एंड एज एक्सपेक्टेड फोटोशॉप का भी नया अपडेट आया है। हम लोग अक्टूबर 2024 में बैठे हैं, एडोबी ने जो फोटोशॉप का नया अपडेट निकाला है वो है फोटोशॉप 2025। एंड एज पर एडोबी इट इज ए मैसिव अपडेट। मैसिव देखते हैं। हाँ, अपडेट में कई फीचर्स नए आए हैं, कई मेजर अपडेट भी कहना चाहिए होंगे, बट मैं अपने वीडियो में सिर्फ वही फीचर्स बताऊंगा या तो जो मुझे पसंद आए, थोड़े बहुत ठीक लगे, एंड या वो रेलिवेंट थे फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इससे पहले कि मैं वीडियो के अंदर घुसूं एंड आपको फोटोशॉप 2025 के नए फीचर्स हैं उनके बारे में बताऊं, अगर आपको मेरा कॉन्टेंट थोड़ा सा भी ठीक लगता है एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप का कॉन्टेंट लगातार लाता रहूं, देन एक चीज जरूर करिए, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो देन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। एंड अगर आपने दोनों किया हुआ है देन आप थोड़ी सी एंगेज कर लीजिए इस वीडियो के बाद, इसको शेयर कर दीजिए एंड कमेंट में थोड़ा सा एंगेज करिए, बिकॉज हमें ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सबसे पहला फीचर मैं बात करना चाहता हूँ वो है एडोबी कैमरा रॉ के अंदर है। सो अगर आप रॉ फोटो खींचते हैं एंड एडोबी कैमरा रॉ को यूज करते हैं, एक्चुअली फीचर पहले भी था बट अब बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, वो है डी नॉइस का। सो मैं एक रॉ फोटो जो कि नॉइजी फोटो है उसको मैं फोटोशॉप में खोलता हूँ। सो ये देखिए, मैंने एक जो मेरी ऑरोरा की फोटो थी ये मैंने फोटोशॉप में ओपन की है, ACR में खुल गई है। ACR में आप अगर यहाँ पे नीचे आएंगे देन यहाँ पे डी नॉइस की ऑप्शन है। इससे पहले कि आप ये सब शुरू करें मैं आपको बता देता हूं कि आपने करना क्या है, एक सेटिंग है वो करनी है, बिकॉज इससे पहले अगर हम डी नॉइस यूज करते थे देन वो एनालाइज करके उसकी DNG बनाता था, तो एक रॉ फाइल रहती थी बट उसकी एक नई फाइल क्रिएट कर देता था जो कि DNG फाइल होती थी। बट इस बार अब इन्होंने क्या किया है, उसी रॉ के ऊपर ये फीचर काम करता है। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ACR में आप आएंगे देन यहाँ पे जो ऊपर कॉग व्हील है इसको जब आप प्रेस करेंगे देन आपका एक डायलॉग बॉक्स सामने खुल जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी रिव्यूज के ऊपर जाइए, ये जो ऊपर एक चेक बॉक्स है न्यू AI फीचर्स एंड सेटिंग्स पैनल, बाय डिफॉल्ट ये स्विच ऑफ होगा, इसको आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद ओके करने के बाद आपको फोटोशॉप को बंद करके, शट डाउन करके फोटोशॉप को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, देन आपका जो डायलॉग बॉक्स है साइड का वो इस तरीके से आ जाएगा। सो इसको अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं देन ये देखिए बहुत ज्यादा नॉइस है, अगर आप यहां पे देखेंगे बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। सो इसमें मैं डी नॉइस को क्लिक कर दूंगा, डी नॉइस एनालाइज करेगा पिक्चर को एंड आपको उसी रॉ के ऊपर नॉइस को रिड्यूस करके आपको रिजल्ट्स दिखा देगा। तो यहां पे आप देखिए नॉइसी, ये नॉइस थी इसमें एंड ये है डी नॉइस के बाद, आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इज कि आप इसमें जो भी लेवल है डी नॉइस का, जिस लेवल पे वो नॉइस रिडक्शन हो रही है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो यहां से इस स्लाइडर को चेक करके। आई थिंक इट हैज डन ए फैबुलस जॉब एंड जैसे ही मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा इसका जो भी लेवल इसने अचीव किया है डी नॉइस में, आई कैन ओपन दिस इमेज इन फोटोशॉप एंड डू फाइनल करेक्शंस। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपने डी नॉइस रॉ के ऊपर नहीं की एंड आपने डायरेक्टली इसको फोटोशॉप में ओपन कर दिया, देन अगर आप यहां से वापस जाएंगे, जैसे फिल्टर पे आपने जाके कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक किया, देन आपको डी नॉइस की ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि ये रॉ फोटो पर ही काम करता है। अब हम आते हैं बाकी के जो फीचर्स हैं, जो मुझे लगता है कि फोटोशॉप ने अपने इस नए वर्जन में, नए अपडेट में जो कि ज्यादा काम किया है एंड बहुत अच्छा उसको इम्प्रूव किया है, वो है रिमूव का जो फंक्शन है उसको लेके। हालांकि ये सब जो फीचर्स जो अब मैं बताने वाला हूँ ये पहले एग्जिस्ट करते थे इन सम फॉर्म और दी अदर मेन फोटोशॉप में भी एंड इसके बीटा वर्जन में भी, बट अब उन्होंने जो बीटा वर्जन पे इम्प्रूवमेंट्स ला रहे थे उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया है मेन फोटोशॉप एंड आई थिंक दे हैव डन ए फैबुलस जॉब विद सम फीचर्स। सो मैं आपके सामने एक फोटो खोलता हूँ, ये है एक टिपिकल सिनेरियो जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिकल केबल्स आपके फोटो में आ जाती हैं, हैपहैज़र्ड होती हैं, अच्छी नहीं लगती, आपकी फोटो को ख़राब करती हैं। इसको पहले पेनस्टेकिंगली हम लोग सेलेक्ट करके निकालते थे, हटाते थे एंड रिमूव फंक्शन से जो फोटोशॉप ने पहले भी दिया था उससे भी रिमूव हो जाती थी, बट अब एक गेम चेंजिंग फीचर आ गया है। तो आपने यहाँ पर आके रिमूव जो टैब है इसको सेलेक्ट करना है।
हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपको कोई भी जैसे रिमूव वाला जो टैब है आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा, ढूंढने पे नहीं मिल रहा, देन ये जो तीन डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करके एडिट टूल बार को क्लिक कर लीजिए एंड इसमें आप जो भी मिसिंग है उसको आप सेलेक्ट करके ला सकते हो। बट जो क्विक आपका फिक्स है इसमें वो है कि आप इसको क्लिक कर दीजिए रिस्टोर डिफॉल्ट्स। इससे जो भी बाय डिफॉल्ट जो भी बटन्स होंगे जो कि आपसे गलती से निकल गए होंगे वो सब आ जाएंगे। अभी मैं बिकॉज मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जब रिमूव टूल को जब मैंने क्लिक किया देन ऊपर आप आके देखेंगे फाइंड डिस्ट्रैक्शंस। सो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देन दो ऑप्शंस मुझे दे रहा है, वो है वायर एंड केबल्स एंड सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पीपल। बट सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब आप फोटोशॉप में काम कर रहे हो एक इसकी डुप्लीकेट लेयर जरूर बना दीजिए। सो मैंने इसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर दी है एंड इसके बाद मैं रिमूव टूल पे जाके यहाँ पे फाइंड डिस्ट्रैक्शंस पे क्लिक करके वायर्स एंड केबल्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर आप ये देखिए जब ये इसको ठीक कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ ये जो केबल्स यहाँ से हैं ये पूरी बिल्डिंग के जो कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चरल जो डिजाइन है इसके ऊपर से क्रॉस कर रही है। ये देखिए वन क्लिक एंड ऑल द केबल्स आर गॉन। एंड अगर मैं इसको जूम करके देखूँ यहाँ पर से केबल्स जा रही थी, अगर मैं जूम करके देखूं आई थिंक इट हैज डन ए फैबुलस जॉब। ये देखिए बहुत ही बढ़िया काम किया है, वेरी नीट। इसका ये थोड़ा सा ये रह गया है आई थिंक जो पिलर की लाइट का था, देन आप इसको रिमूव टूल पे आके वैसे ही ब्रश आउट कर दीजिए एंड वो यहां से हट जाएगा। जो एक चीज यहां पे ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर आप यहां पे ऊपर मोड देखेंगे देन यहां पर आपको तीन मोड दिखाता है, ऑटो मे यूज जनरेटिव AI, जनरेटिव AI ऑन, जनरेटिव AI ऑफ। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। मैंने ऑटो सेलेक्ट किया है एंड ये क्यों किया है मैं आपको एक थोड़ी देर बाद बताऊंगा, एक अगली फोटो में बताता हूँ। सो लेट मी कम टू दिस फोटो। अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो एक लैंडस्केप में दो कारें खड़ी हुई हैं। अगर मुझे कोई भी छोटी सी चीज हटानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से ये एक स्पॉट है ये हटाना है, मैं इसके ऊपर पेंट करूंगा देन ये कॉन्टेंट अवेयर से इसको हटा देगा। इस ऑटो में वो जनरेटिव AI नहीं लेगा। अब अगर मुझे इस कार को हटाना है देन यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऐसी जगह खड़ी है जिसमें कि घास एंड जो रोड है वो मिक्स हो रही है, देन उस जगह पे वो जनरेटिव AI लेगा। तो मैंने इसको पेंट किया, जनरेटिव AI ले रहा है, ये देखिए रिमूविंग एरिया लेके जा रहा है एंड ये हटाएगा, देखते हैं कैसी काम करता है। इतने देर के बाद भी फोटोशॉप ने इसको अपडेट निकाला है एंड रियली बॉचअप कर दिया। सो मैं इसको दोबारा करूँगा, क्या करूं मैं इसको दोबारा करूंगा, लेट अस सी। हाँ, डज ए बेटर जॉब। अभी भी थोड़ा सा पैची लग रहा है, आप इसको टच करके ठीक कर सकते हैं। सो अगर मुझे इस कार को हटाना है देन मैं इसके ऊपर करूंगा पेंट कर दूंगा देन इट्स डन ए फैबुलस जॉब। यहां पर आप ऑटो जो मोड है इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड लेट द फोटोशॉप डिसाइड कि उसे जेनरेटिव AI यूज करना है या कॉन्टेंट अवेयर यूज करना है। अब मैं दूसरी फोटो पे आता हूँ जिसमें कि इतने ज्यादा लोग हैं। I mean, जब भी आप ट्रेवल करते हो टूरिस्टी प्लेस पे जाते हो इतनी भीड़ दिखती है कि आप अपने जो मॉन्यूमेंट है उसको क्लिक नहीं कर पाते, उसको ढंग से फोटो नहीं खींच पाते बिकॉज मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं। दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल, हर एक एंगल पे लोग चल रहे हैं। सो इसमें मैंने क्या करना है, इसमें भी पहली चीज मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लूंगा बिकॉज नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करना है एंड यहां पर जब मैं रिमूव टूल पे आके फाइंड डिस्ट्रैक्शंस पे जब मैं क्लिक करूंगा देन मैं पीपल पे क्लिक कर दूंगा। वो एनालाइज करेगा पीपल, जो भी उसे लोग जहां पे उसने आइडेंटिफाई किए हैं उसके ऊपर एक पिंक मास्किंग कर दी है। अब यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि कोई एक इंडिविजुअल को मैं रिमूव ना करूं या कोई एक इंडिविजुअल छोड़ दिया है फोटोशॉप ने सिलेक्शन में एंड उसको ऐड करना चाहता हूं, देन मेरे पास यहां पे दो फीचर्स हैं, दो मेरे पास ऑप्शंस आती हैं। ये अगर आप प्लस देखेंगे देन प्लस का मतलब है कि मैं कोई भी एक चीज छूट गई है, कोई एक इंडिविजुअल छूट गया उसको ऐड करना चाहता हूं, देन मैं प्लस करके ये मेरे को एक ब्रश बटन मिल गया है, मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। इसमें कुछ नहीं, इसमें आई थिंक सब कुछ इसने इंक्लूड कर लिया है, सो मेरे को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कोई भी पर्सन हटाना चाहता हूँ देन मैं माइनस लेके चलूँगा एंड मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं जस्ट टू शो यू कि इसको मैं नहीं चाहता कि ये हटाए तो मैं इसको यहाँ से पेंट करके इसको जो
इसके ऊपर मैं माइनस वाला करके इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा उसके ऑप्शंस में से। इसके बाद जब मैं व्हेन आई एम हैप्पी तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ पे यस, वो रिमूविंग करेगा। ये देखिए, वाओ, दिस इज अमेजिंग। थोड़ा टाइम जरूर लिया बिकॉज बहुत ज्यादा लोग थे, बट इट हैज डन ए फैबुलस जॉब। दिस इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। हाँ, ये क्योंकि नहीं हटाया क्योंकि मैंने इसको रिमूव कर दिया था, वहां से डीसेलेक्ट कर दिया था। अगर हम इसको जूम करके देखने की कोशिश करें, लेट मी डू पिक्सल पीपिंग एंड फाइंड आउट कि सब जगह से, यहाँ पे थोड़ा सा बॉचअप किया है। यहाँ पे देखिए, इसको आप अपने मैनुअली ठीक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग छूट गए हैं, ये देखिए दो ये छूट गए हैं, और थोड़ा सा एक दो जगह पे बॉचअप है, बट आई थिंक स्टिल इट हैज़ डन ए फैबुलस जॉब। आपका जो भी इंडिविजुअल छूट गया है आप उसके ऊपर दोबारा पेंट करके, सो मैं यहाँ पर अगर आता हूँ एंड इसके ऊपर मैं ये देखिए ये पेंट करता हूँ, वो उसने हटा दिया, यहाँ पे इसको पेंट करता हूँ, उसको भी हटा दिया थोड़ा सा, यस। बट आई थिंक दिस इज वन वंडरफुल फीचर जिससे कि आप डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो आप अपने फोटो में से हटा सकते हो। अब मैं जो लास्ट फीचर बताने जा रहा हूँ वो है रिमूव एंड ऐड बैकग्राउंड। सो मैंने एक फोटो ली है जिसमें कि लड़की खड़ी है एयरपोर्ट पे, और मैं इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसमें एक नया बैकग्राउंड डालना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा रिमूव बैकग्राउंड करना है एंड वो उसका उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कोई नया लेके आना है, तो मैं जनरेट बैकग्राउंड पे आऊंगा एंड इस पर मैं कोई भी जो कमांड दे दूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ कहाँ पर हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं ले लेता हूँ प्रोबेबली माउंटेन्स, माउंटेन ये मैंने कर दिया एंड आई क्लिक ऑन जेनरेट, लेट अस सी क्या करता है। सो एक ऑप्शन ये है, सेकेंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है। जैसा कि आपने देखा कि फोटोशॉप ने जो भी अब नया अपडेट निकाला है 2025 में, इसमें ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स, आई थिंक ऑल फीचर्स आर बेस्ड ऑन देयर जेनरेटिव AI फीचर, जो कि इनका जो फायरफ्लाई सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर बेस्ड है, उससे उसको यूटिलाइज करके ये आपको रिजल्ट्स देता है। नाउ माय ओनली सबमिशन हियर इज, जो मेरे फाइनल थॉट्स वो ये हैं कि फोटोशॉप ऑफ लेट पूरा का पूरा फोकस जनरेटिव AI बेस्ड एडिट्स के ऊपर लगा रहा है, विच आई थिंक इज लॉपसाइडेड, विच इज नॉट राइट। अगर एज एन इंडिविजुअल मुझे जेनरेटिव AI फीचर को यूज नहीं करना है, देन आई शुड गेट एन ऑप्शन टू नॉट यूज इट। मैं ट्रेडिशनल तरीके से एडिट करना चाहता हूं, मेरे पास वो ऑप्शन होनी चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है, देन फोटोशॉप इज फोर्सिंग मी टू यूज जेनरेटिव AI फीचर्स जो कि इनके फायरफ्लाई मॉडल पे बेस्ड। यस, AI इज ए पावरफुल टूल एंड एडिटिंग में सिलेक्शन हो गया एंड और कई जो ऐसे टूल्स हैं, इसमें हमारी जो लाइफ है बहुत आसान बना दी है। बट आई एम नॉट ए गुड फैन, आई एम नॉट ए फैन ऑफ जेनरेटिव AI एट ऑल, एंड आई फील इन फ्यूचर फोटोशॉप शुड कंसिडर सम थिंग्स फॉर पीपल लाइक मी जो कि जेनरेटिव AI के फीचर्स को यूज नहीं करना चाहते। बट येस, जो AI के अदरवाइज जो टूल्स हैं उसको लेके बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना एंड खासकर जो मैंने डी नॉइस का फंक्शन आपको बताया, फीचर बताया, जो कि Adobe कैमरा रॉ में है, जिसमें कि DNG एक सेपरेट फाइल क्रिएट करे बगैर आपको फाइनल रिजल्ट दे देता है। बट मैसिव अपडेट, आई बेग टू डिफर बिकॉज वी एक्सपेक्टेड मोर Adobe, ऑनेस्टली वी एक्सपेक्टेड मच मोर देन वॉट यू हैव गिवन अस इन द नेम ऑफ मैसिव अपडेट। मुझे आप कमेंट में लिख के ये जरूर बताइए कि आपकी थॉट्स क्या हैं इस नए अपडेट को लेके। एंड बिफोर आई साइन ऑफ, अगेन द सेम रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर आप पुराने हो एंड आपने दोनों किए हुए हैं देन लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट एंड शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप एक्सप्लोरिंग लाइट एंड आप हमें अच्छे अच्छे कॉन्टेंट से इंस्पायर करते चलिए। टेक केयर, बाय बाय।